चुनाव के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ आज हेलीकॉप्टर से गंज बासुदा पहुंचे और उन्होंने नेहरू चौक पर भाजपा प्रत्याशी लीना जैन के पक्ष में आम सभा को संबोधित किया, जहां बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सहित आमजन योगी आदित्यनाथ को सुनने पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विकास की सरकार चुनना है तो भाजपा को वोट दीजिए। योगी आदित्यनाथ के पूरे भाषण में राम मंदिर और हनुमान जैसे शब्द छाए रहे। यहां गौरतलब करने वाली बात यह है कि विदिशा जिले के अन्य भाजपा नेता इस कार्यक्रम में नजर नहीं आए। अपार स्नेह मिल रहा है जनता के बीच। जब भी मैं पहुंचती हूं तो मुझे लगता है कि जनता के बीच में कुछ अपरिचित नहीं हूँ, जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने फैलाया था कि नया चेहरा है, गाँव में कोई पहचानता नहीं है, पर ऐसा कुछ भी मुझे महसूस नहीं हुआ। जनता इतने उत्साह में है कि मैं कुछ शब्दों में उन्हें बयान नहीं कर पाऊंगी। जनता की तो यही मांग है कि इस बार सिर्फ भाजपा, सिर्फ बीजेपी, सिर्फ कमल का फूल। उज्जैन में आज योगी आदित्यनाथ ने उज्जैन दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी मोहन यादव के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान ही मंच से योगी ने कमलनाथ और राहुल गांधी पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार अंतिम छोर पर पहुंचने वाला है। 26 नवंबर की शाम से एमपी में प्रचार प्रसार थम जाएगा। जैसे जैसे अंतिम दिन आ रहे हैं, प्रत्याशी अपने समर्थन में प्रचार प्रसार के लिए स्टार प्रचारकों को बुलाने में लगे हैं। उज्जैन में आज दक्षिण प्रत्याशी मोहन यादव के लिए उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ पहुंचे। योगी ने आज मोहन यादव को जिताने के लिए जनता से अपील की और 28 नवंबर को भाजपा को वोट देकर शिवराज सिंह चौहान को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। मंच से योगी ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर निशाना साधा। योगी ने कमलनाथ को लेकर कहा कि वह एक बैठक लेकर कहते हैं कि हमें दलित के वोट नहीं चाहिए, हमें अली के वोट चाहिए। तो योगी ने कहा कि अली तुम्हें मुबारक, बजरंग बली हमें मुबारक। योगी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी सोमनाथ मंदिर दर्शन करने गए तो ऐसे बैठ गए जैसे नमाज पढ़ने के लिए बैठे हों। वहां के पुजारी ने उन्हें टोका और कहा ये मंदिर है, यहां आसन कर बैठे। उन्होंने कहा कांग्रेस न जाने किस मुंह से चुनाव लड़ रही है और सरकार बनाने की सोच रही है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के निचली बस्तियों में भी आकाश विजय वर्गीय गए। वहां के मतदाताओं ने बोला कि कांग्रेस के राज में भी बारिश का पानी आधे आधे घरों तक घुस जाता था, पर कांग्रेसी सिर्फ खाना देकर चले जाते थे और उससे कुछ नहीं होता था। शायद उन्हें भी उम्मीद है कि आकाश उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। ऐसे ही कुछ आकाश के साथ चल रहे व्यापारियों ने भी बीजेपी में भरोसा जताया और उन्होंने आकाश का जमकर स्वागत किया। जनसंपर्क के अंतिम दिनों में आकाश विजय वर्गीय विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में जमकर जनसंपर्क कर रहे हैं। वह गली गली और बस्तियों में भी जाकर जनसंपर्क करने में चूक नहीं रहे हैं। स्वागत करता है गौरव चंदर मित्र मंडल। स्वागत स्वागत अभिनंदन। क्षेत्र क्रमांक 3 के उम्मीदवार आकाश विजय वर्गीय का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें इस विधानसभा में भेजा है हमारे कामों को देखते हुए। जो काम हमने क्षेत्र क्रमांक 2 में किए, महू में किए, खूब विकास किया। यहाँ पर भी इस क्षेत्र की बनावट बड़ी अजीब है, छोटी छोटी बस्तियाँ, छोटे छोटे मोहल्ले, इसमें विकास करना उतना आसान नहीं है। मगर माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का जो अनुभव है, मेरी जो पढ़ाई है, उस सब को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जाओ और इस क्षेत्र का विकास करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सब आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। हर घर और मोहल्ले में उनका जमकर स्वागत किया जा रहा है। जनसंपर्क के दौरान आकाश विजय वर्गीय ने यह वादा विशेष रूप से किया है कि वह किसी भी हालत में विकास कार्यों के दौरान किसी के मकान की एक ईंट भी नहीं हिलने देंगे। मास्टर प्लान में होने वाले विकास कार्यों में संभावित तोड़फोड़ से चिंतित बस्ती और मोहल्ले वासियों ने इस बात को लेकर प्रसन्नता जाहिर की और आकाश का भरपूर स्वागत किया। आप खुद व्यापारी हैं और व्यापारी बहुल इलाका है 3 नंबर, क्या लगता है 3 नंबर के अंदर कितना आसान रहेगा भाजपा को अपना गढ़ जीत पाना? 3 नंबर भाजपा के लिए पहले भी आसान रहा, उषा जी 13,000 से जीती थी और आज की तारीख में हम 26,000 से डबल मतों से हम जीतने वाले हैं। 25,000 के मतों का एक बहुत बड़ा अंतर होता है, जबकि माना जा रहा है सामने 15 साल काम कर चुके अश्विन जोशी जैसा कद्दावर नेता है। 25,000 जो वोट है उसका अगर आप डिवाइड करोगे और आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय की मुस्लिम समाज में इतनी बढ़िया पेट है, इतने ज़्यादा चाहने वाले मुस्लिम समाज के लोग उनसे हैं, उनके साथ हैं, और बहुत ज़्यादा मुस्लिम समाज का कम से कम 10,000 वोट इस बार आप देखना, ऐतिहासिक वोट 3 नंबर से हमको मिलने वाला है। देखिए कोई ज़्यादा कड़क नहीं है हमारे लिए, इससे भी कड़क हम महू में लड़के आए हैं और इससे भी टफ विधानसभा में 3,000 करोड़ रुपये का विकास करके आए हैं।
तो चुनाव भी हमारा अच्छा चल रहा है, हमें पूरी उम्मीद है बड़े मार्जिन से हम चुनाव जीतेंगे और विकास कार्य भी हम बहुत अच्छे से करेंगे, इसलिए हमको और मज़ा आ रहा है काम। हम जिस क्षेत्रों में आप घूम रहे हैं ये गलियों वाला क्षेत्र है, विकास पिछले 5 सालों में क्या हुआ और इनमें नया विकास क्या करने वाले हैं आप? देखिए, हम लोग हर जगह पानी की अच्छी व्यवस्था करेंगे, सड़क बिजली की तो जो छोटी मोटी समस्या है उसको दूर करेंगे ही, मगर हर घर में नर्मदा जी आए, और अगर जहाँ पर एकदम ऐसी जगह है जहाँ नर्मदा जी नहीं आ सकती है तो बोरिंग के माध्यम से, मगर घर घर नल कनेक्शन लगा से पानी जाए ये सुनिश्चित करेंगे। और उसके अलावा भी हमारा बहुत बड़ा विजन है, उसके आज हम विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च भी। आकाश जी, आप सिर्फ ये बता दीजिए कि जो आपका क्षेत्र है इसमें विकास की अनंत संभावना है, व्यापारिक बहुल क्षेत्र है और खासतौर से जवाहर मार्ग और पुराने व्यापारिक इलाकों के अंदर डेवलपमेंट और रोड चौड़ी करने की बहुत ज़रूरत है, बिना तोड़ फोड़ के क्या आप ये कर पाएंगे? बिल्कुल, हमारा स्पष्ट मानना है सबका साथ सबका विकास, तो सबसे सलाह मशवरा करके सबकी सहमति से ही विकास होगा, किसी पे भी विकास थोपा नहीं जाएगा, ये हमारा स्पष्ट मानना है इस विधान। इंदौर में 2 नंबर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जगह बिना परमिशन के तोड़फोड़ हुई और मुआवजा भी नहीं मिल पाया, क्या 3 नंबर में आप 2 नंबर वाली परंपरा बना के रख पाएंगे? बिल्कुल, शायद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें इस विधानसभा में भेजा भी इसीलिए है, और नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी सभा में स्ट्रिक्ट आदेश दिए थे कि सबका साथ सबका विकास, सबसे सबकी सहमति से ही विकास होगा, थोपा कहीं नहीं जाएगा। आखिरी मैसेज मतदाताओं के लिए? बस भारतीय जनता पार्टी ने खूब विकास किया है तो उसको देखते हुए अपने और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए 28 तारीख को सूरज की पहली किरण के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान करें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इंदौर की, जहां महत्वपूर्ण मानी जा रही विधानसभा क्रमांक 3 में भाजपा के प्रत्याशी आकाश विजयवर्गीय ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। आइए देखते हैं क्या खास बातें हैं आकाश विजयवर्गीय के इस विजन डॉक्यूमेंट में। अपना 3 बेहतरीन, जल समस्या का अंत तुरंत। जहां अभी तक मां नर्मदा का जल नहीं पहुंच पाया है, वहां टंकी और पाइपलाइन द्वारा मां नर्मदा के जल की व्यवस्था, इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर बोरिंग भी कराए जाएंगे। हर गरीब को पक्की छत, 2022 तक क्षेत्र में कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। उत्कृष्ट सरकारी विद्यालय, वर्तमान शासकीय विद्यालयों को उत्कृष्ट बनाने और क्षेत्र में जहां शासकीय विद्यालय नहीं है वहां स्मार्ट क्लासरूम युक्त शासकीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। इंदौर मेट्रो, आवागमन को और सरल करने हेतु शास्त्री ब्रिज से शीतला माता बाजार तक मेट्रो ट्रेन। ट्रैफिक जाम एवं पार्किंग समस्या से मुक्ति, क्षेत्र में वर्तमान में केवल 500 ही वाहनों की अधिकृत पार्किंग व्यवस्था है, अन्य वाहन रोड पर ही खड़े किए जाते हैं। आवागमन को सरल बनाने हेतु 10,000 वाहनों अधिकृत पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, इससे व्यापार में भी भारी बढ़ोतरी होगी जिससे क्षेत्र में समृद्धि आएगी। बगीचों का सौंदर्यीकरण, जॉगिंग ट्रैक, बच्चों के लिए प्ले एरिया, सुंदर विद्युत व्यवस्था आदि के माध्यम से बगीचों का सौंदर्यीकरण, क्षेत्र में कई नए बगीचों का निर्माण भी किया जाएगा। कम्युनिटी हॉल, सामुदायिक भवन, क्षेत्र की गरीब एवं अल्पसंख्यक बस्तियों में मांगलिक कार्यों हेतु सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। रिवर साइड कॉरिडोर, लालबाग से सुभाष मार्ग ब्रिज तक प्रदूषण से मुक्ति और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए खान नदी पर रिवर साइड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, MY का नवीनीकरण किया जाएगा, इस क्षेत्र में एक और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा एवं अधिक से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। एक और IT पार्क, वर्तमान IT पार्क से लगी जमीन पर एक और IT पार्क एवं इंक्यूबेशन सेंटर का प्रस्तावित किया जाएगा जिससे लगभग 10,000 युवाओं को सीधे रोजगार मिलेगा। भव्य कन्वेंशन सेंटर, क्षेत्र में स्थित सेंट्रल जेल को सावे रोड स्थानांतरित किए जाने पर उसकी जगह एक भव्य कन्वेंशन सेंटर प्रस्तावित किया जाएगा जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। हर हाथ काम, हर वार्ड में संपूर्ण विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी जहां लोकल डिमांड के अनुसार निःशुल्क स्किल डेवलपमेंट कर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाते हुए रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। पर्यटन से रोजगार, पर्यटन के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देने हेतु राजवाड़ा और अन्य पर्यटक स्थलों का सौंदर्यीकरण कर एवं अधिक से अधिक सैलानियों को आकर्षित करने की दृष्टि से ब्रांडिंग की जाएगी। खिलाड़ियों का सशक्तिकरण, अखाड़ों, खेल मैदानों एवं खेल संगठनों के माध्यम से खिलाड़ियों का सशक्तिकरण। समाधान केंद्र,
संपूर्ण विकास केंद्र के साथ ही हर वार्ड में जनसमस्या के समाधान एवं सभी को अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु एक समाधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त क्षेत्र का नियमित दौरा कर जनता से सीधा संवाद किया जाएगा एवं उनकी समस्याओं को जानकर उसका निराकरण किया जाएगा। साथ ही सबका साथ सबका विकास मंत्र को ध्यान में रखते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जनता की सहमति के बगैर क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया जाए।